हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सोनाली और मैं आज आप सभी को बताने वाली हूँ जो आप 3 महीने से जो आप कॉलर ट्यून सुनते आ रहे हैं, कोरोना कॉलर ट्यून, वो कॉलर ट्यून आखिर है किसकी वॉइस? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये वॉइस है किसकी? तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कोरोना का कहर लगभग 4 महीने से चला आ रहा है। साथ ही हम अपने अपने घरों में भी बंद हैं। ऐसे माहौल में आम से लेकर खास तक सभी लोग अपने अपने तरीके से कोरोना के प्रति जागरूकता का संदेश दे रहे हैं, जो कि इस दौर में काफ़ी कारगर साबित हुआ है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, लगभग पिछले 3 महीने से हम सभी हमारे फ़ोन पर एक कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने वाली मधुर आवाज़ के कॉलर ट्यून सुनते हैं। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि यह वॉइस है किसकी आखिर, जो हम सबको कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सुनाया जाता है? एक्चुअली मैंने सोचा कि ये वॉइस आखिर है किसकी, पर मैंने फिर थोड़ा सा सर्च किया इस ट्यून के बारे में, तो फिर मुझे पता चला कि कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए सरकार की ओर से यह एक वॉइस ओवर मैसेज है जो कि प्रसारित किया जा रहा है। कई बार कुछ लोग बार बार सुनाई देने वाले इस कॉलर ट्यून से परेशान भी हो जाते हैं। इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई मीम्स भी बनते हैं। लेकिन क्या आपको जानना है कि देश के करोड़ों लोगों के कानों तक पहुंचने वाली ये खास और मीठी सी आवाज़ आखिर किसकी है? आज मैं आपको उस स्पेशल गर्ल के बारे में मैं बताऊंगी जिन्होंने कॉलर ट्यून मैं आवाज़ दी है। उनका नाम है जसलीन भल्ला। वह एक मशहूर वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। कोरोना के बारे में जागरूकता फैलाने वाला यह वॉइस ओवर हिंदी के अलावा दूसरे भाषाओं में भी डब है। जसलीन ने इन सभी में डबिंग की है। जसलीन कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम कर चुकी है, जैसे कि उन्होंने आंगनबाड़ी के लिए काम किया है, रेलवे के लिए, एयरलाइंस के लिए। पर उन्होंने कहा कि यह जो इस बार जो कोरोना के प्रति जो वॉइस ओवर उन्होंने दिया है, उनको नहीं पता था कि यह वॉइस ओवर कोरोना कॉल ट्यून में सेट होने वाली है। वह कहती है कि उनके लिए यह एक्सपीरियंस बहुत अनोखा था। वह बताती है कि वह जब अपनी ही आवाज़ जब सुनती है, खुद को कोरोना से बचाव की हिदायत देते हुए, तो वह सोचती है कि वह उनकी खुद की आवाज़ ही सुन रही है। उन्हें थोड़ा अजीब फील होता है, वो फीलिंग मिक्स्ड होती है। और उनका कहना यह है कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि उनकी वॉइस सुनकर बहुत लोगों को कोरोना से बचने की हिदायत मिलती है। कोरोना से बचने का थोड़ा बहुत एटलीस्ट नॉलेज मिलता है। सो दोस्तों, यह थी मेरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात। तो गाइस, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें।
और शेयर करें। थैंक यू।